नमस्कार दोस्तों, सलाम दोस्तों, मैं हूं आरआरजे, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं संडे स्पेशल वीडियो में। और दोस्तों अगर आप ये मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपको पता नहीं कि संडे स्पेशल वीडियो और मेरे कौन कौन से वीडियोज़ हैं, तो प्लीज़ जाइए आप मेरे प्लेलिस्ट में, तो आपको पूरी आइडिया मिल जाएंगी। MR जॉब से रिलेटेड मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं वहाँ पे, तो आपको पूरी आइडिया मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों, जिससे क्या होगा कि बाकी लोगों को भी आइडिया मिल जाएगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। जो पहला सवाल मुझसे पूछा गया वो ये पूछा गया कि सर मैं एक OTC डिवीजन में काम कर रहा हूँ, सर एक्चुअली मुझे ये कंपनी छोड़नी है क्योंकि मुझे OTC डिवीजन नहीं ज्वाइन करनी थी, बाय मिस्टेक मैंने ज्वाइन कर ली। अब ऑलमोस्ट 4 मंथ हो गए हैं, कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सर मुझे OTC डिवीजन में काम नहीं करना है, तो क्या मैं ये फील्ड छोड़ के जो फार्मा फील्ड जहाँ पे डॉक्टरों को मिलना पड़ता है उस कंपनी में जॉब कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मुझे प्लीज़ बताइए। ये जो मेरा 4 महीने का एक्सपीरियंस और 2 महीने जो और होंगे ऑलमोस्ट 6 मंथ का एक्सपीरियंस, वो कैलकुलेट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूँगा ये कैसे है, ये वैरी करता है कंपनी टू कंपनी। यहाँ पे आपके पास एक प्लस पॉइंट क्या है कि आपको एरिया का पूरा नॉलेज आ गया है, क्योंकि आप एक OTC डिवीजन में काम कर रहे हैं, आपको मेडिकल शॉप का नॉलेज, एरिया का नॉलेज आपके पास है, तो कंपनी शायद आपको इस बेसिस के ऊपर ले ले कि बंदे को पूरा एरिया का नॉलेज है और मेडिकल को कैसे हैंडल करना है इसके बारे में इनको पता है, तो आपके चांसेस हैं आपको ले लेंगे। आप बिना टाइम वेस्ट करें तुरंत इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसा कि आपका क्वालिफिकेशन आपने बताया है कि आपने BSc किया हुआ है, क्वालिफिकेशन आप BA, BCom, BSc कुछ भी करते हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस एक्सपीरियंस वो पकड़े या ना पकड़े ये मत सोचिएगा, बस आप अपना इंटरव्यू देना चालू कर दीजिए। जो भी उनका पैकेज होगा एज अ फ्रेशर या फिर 3 मंथ के एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर बंदे को, वो आपको पैकेज मिल जाएगा। ये मत सोचिएगा कि आपको यहाँ पे इतना पैकेज मिल रहा है, इस OTC डिवीजन में आपको इतना पैकेज मिल रहा है तो इससे आपको ज़्यादा ग्रोथ मिल जाएगी, ये मत सोचिएगा। मे बी आपको जितना पैकेज मिल रहा है करंट, उतना ही बेसिक सैलरी मिल जाए, ग्रोथ के चांसेस वो डिपेंड करेगा और वेरी करेगा कंपनी टू कंपनी। समझ आए दोस्त? दोस्तों अगला सवाल मुझसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि सर मैं एक आयुर्वेदिक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, अभी 4 मंथ्स हुए हैं और मैं दूसरी कंपनी में ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रॉब्लम क्या हुआ है यहाँ पे कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे ना अभी तक ऑफर लेटर आया हुआ है ना अपॉइंटमेंट लेटर आया हुआ है, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरा दूसरी कंपनी में सिलेक्शन होगा बिना ऑफर लेटर अपॉइंटमेंट लेटर के? तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर के, ऑफर लेटर को लेकर के, उसकी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। ये मेरा वो वीडियो है जो मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो आप क्या करिए वो वीडियो देख लीजिए, आपको पूरी आइडिया आ जाएगी। लेकिन दोस्त कैसा होता है कि अगर आप अगली कंपनी में जा रहे हैं तो आपके पास कुछ तो प्रूफ चाहिए कि हाँ आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं। मैं मानता हूँ आपके पास बैग है, विजिटिंग कार्ड है, ऑल थिंग्स आर देयर, बट ओनली थिंग इज दैट कंपनी विल आस्क अबाउट एन अपॉइंटमेंट लेटर, द कंपनी कैन आस्क ऑल्सो अबाउट ऑफर लेटर। इन दोनों में से अगर आपके पास कुछ भी होता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसका टेंशन मत लीजिए। अगर आपके पास ऑफर लेटर है उस बेसिस के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ट्राई कीजिए, कंपनी से मांगिए कि एटलीस्ट मुझे बॉस ऑफर लेटर तो प्रोवाइड कर दीजिए। दोस्तों अगला सवाल मुझसे पूछा गया वो ये पूछा गया कि सर क्या मैं ये काम 4 घंटे में खत्म कर सकता हूँ? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसकी भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा कि ये 4 घंटे का काम है या फिर 1 घंटे का काम है या 8 घंटे का काम है या फिर सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का काम है, ये आप देख लीजिएगा, आपको पूरी आइडिया आ जाएगी। लेकिन कैसा है कि मैं 5 घंटे में 12 कॉल कर लूँगा तो मेरा काम खत्म हो गया क्या? करने को क्या, आप 1 घंटे में काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कितना टाइम स्पेंड करना पड़ता है ये सारा जो कुछ भी है मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, आप मेरे उस वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों अगला सवाल मुझसे पूछा नहीं गया, मुझसे एक्चुअली कहा गया है कि सर प्लीज़ एक वीडियो बनाइए पूरे सिस्टम के ऊपर, आई सॉ योर डाइजेस्टिव सिस्टम वीडियो, वेटिंग फॉर अदर सिस्टम्स वीडियो। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियो मैंने देखा हुआ है और मैं आपके बाकी के सिस्टम्स के वीडियो का वेट कर रहा हूँ, प्लीज़ बनाइए। तो दोस्त जल्दी बनाऊँगा, थोड़ा बिजी रहता हूँ काम में, काम निकाल के टाइम निकाल के सारे वीडियोज़ मेरे आएंगे, बहुत जल्द आएंगे और मैं ज़रूर बनाऊँगा, जैसे बन जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक बेल आइकन पे नहीं दबाया है तो उस बटन को दबा दीजिए, जिससे क्या होगा कि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों अगला सवाल मुझसे पूछा गया वो ये पूछा गया कि सर क्या ओनली वेटरनरी डिप्लोमा स्टूडेंट्स MR जॉब कर सकते हैं क्या? तो मैंने आपसे पूछा कहाँ पर, कुछ तो बताइए, मतलब कहाँ पर, फार्मा में कि वेटरनरी फार्मा में, कहाँ पर आपने मुझे ये मेंशन नहीं किया हुआ है। लेकिन दोस्त आपका ये सवाल मुझसे पढ़ने से, मतलब आपका सवाल पढ़ने से मुझे आइडिया आ रहा है कि आप पूछ रहे होंगे कि वेटरनरी डिप्लोमा स्टूडेंट कैन जॉब ओनली इन वेटरनरी और व्हाट, और या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि खाली वेटरनरी के बंदे ही वेटरनरी कंपनी में ही काम कर सकते हैं, BA, BCom, BSc के बंदे काम नहीं कर सकते हैं क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, BA, BCom के बंदे भी
वेटरनरी फार्मा ज्वाइन कर सकते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो मेरे आने वाले हैं, बहुत जल्द बनाऊंगा, आपको डीप नॉलेज दूंगा उसके बारे में भी, सो नो टू वरी अबाउट दैट। तो आपको जो मैंने सवाल पूछा है मुझे आपका उसका रिप्लाई दे दीजिए, तो आपको मुझे बताने में आसानी होगी कि आपने मुझसे क्या पूछा है, आपको क्या बताना है मुझे, ठीक है दोस्त। लेकिन इस सवाल से बाकी लोगों को भी आइडिया मिल गई होगी दोस्तों। तो दोस्तों जितने सारे मुझसे पूछे गए थे सवाल, उनमें से कुछ सवालों को मैंने दे दिया है जवाब, बाकी को मैंने दे दिया है रिप्लाई। अगर आपके मन में चल रहा हो कुछ सवाल और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो डाल दीजिए कमेंट्स, मैं आपको उसका रिप्लाई करता हूं और करता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय।